4 नवंबर को सीएम धामी करेंगे लखपति दीदी योजना की शुरुआत। 2025 तक 367,000 महिलाओं को बनाएंगे लखपति, यह गणेश जोशी का कहना है। देहरादून 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला में 4 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखपति दीदी योजना की शुरुआत करेंगे। और शनिवार को ग्राम विकास विभाग के मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जोशी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक प्रदेश की समूहों से जुड़ी 367,000 महिलाओं को लखपति बनाया जाए। इसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब राज्य प्रदेश 25 साल का होगा तब हमारी 125,000 बहनें इस योजना से जुड़कर लखपति दीदी होंगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को आवास दिए जाएंगे। इसी प्रकार कौशल योजना के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान जहां देश की सीमा पर डटे जवानों पर है, वहीं किसानों को मातृशक्ति की भी चिंता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी सचिव डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव नीतिका खंडेलवाल, अपर सचिव आनंद स्वरूप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। और यहाँ पर CSR पुलिस को 10 बाइक। आप चलते हैं दूसरी खबर पर, भर्ती घपला तो पहला है। मुख्यमंत्री धामी ने हाईकोर्ट में अपील करने के लिए STF को दिए निर्देश। भर्ती घपले में सरकार हाईकोर्ट जाएगी, विपक्ष ने हमला बोला है। और यहाँ पर देख सकते हैं UK SSC भर्ती घपले में गिरफ्तार आरोपियों को निचली अदालत से जमानत मिलने पर सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण में STF को हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है। वही नेता प्रतिपक्षी यशपाल आर्य ने भर्ती घपले के आरोपियों को जमानत मिलने पर सरकार पर हमला बोला है। कहा कि सरकार जांच के नाम पर दिखावा कर रही है। जुलाई में सामने आए भर्ती धांधली की जांच STF कर रही है। STF अब तक 42 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ज्यादातर के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है, लेकिन इस बीच कई आरोप निचली अदालत की जमानत हासिल करने में कामयाब हो गए थे। इस कारण सरकार आरोपियों को जेल के अंदर ही रखने को फिर सतर्क हो गई है। इस क्रम में मुख्यमंत्री धामी ने STF को आरोपियों की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है। SSP STF अजय सिंह ने मुताबिक अधीनस्थ चयन आयोग की भर्तियों में धांधली के आरोपियों की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगी। STF की ओर से इसकी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि STF सबूत जुटाने के सतर्कता के साथ काम कर रही है। 42 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है STF भर्ती घपले में। 19 आरोपियों को अब तक जमानत मिल चुकी है दोस्तों, और 23 आरोपी अभी भी बंद हैं जेल में UK SSC भर्ती घपले में। देखो 23 आरोपी अभी जेल में बंद है और 19 आरोपियों को जो है जमानत मिल चुकी है। तो किस बिहाफ पे मिल गई इनको जानकारी, तो इसके लिए इन्होंने हाईकोर्ट में जाने की अपील कर रखी है। नकल गिरोह को बचाने के लिए जांच के नाम पर दिखावा चल रहा है। भाजपा का नेता प्रतिपक्ष आर्य पर तीखा हमला किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने नेता प्रतिपक्षी यशपाल आर्य के भय व भ्रष्टाचार पर दिए बयान पर तीखा प्रहार किया। कहा कि भाजपा ने जन भावनाओं की कद्र करते हुए उत्तराखंड को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त किया है। कैथोला ने एक बयान में कहा कि भ्रष्टाचार और भय की प्रतिबिंब रही कांग्रेस की काली छाया उत्तराखंड को ना पड़े, इसलिए भाजपा को उत्तराखंड के जन जन का आशीर्वाद फिर से मिल। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और इस बेल आइकन को सिलेक्ट ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे कि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।